हर साल की तरह इस बार भी अहमदाबाद के इस आश्रम में दिवाली पर विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर का आयोजन किया गया। ये विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर 10वां शिविर था। अब से पहले 9 शिविर आयोजित हो चुके हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं इधर हर बार आऊँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे को बहुत मजा आया। इस शिविर में समूचे देश से हजारों विद्यार्थियों समेत कई साधकों ने भी भाग लिया। 7 दिन के इस शिविर में बापूजी के संकल्प से साधकों को खजाना मिला। यहाँ शरीर की तंदुरुस्ती के लिए योग सिखाया जाता था। आध्यात्मिक व आत्मिक उन्नति के लिए सत्संग, प्राणायाम, ध्यान व संध्या करवाई जाती थी। आश्रम का कोना कोना दैविक ऑरा से भरपूर था। यहाँ बैठे रहने मात्र से ही विद्यार्थी आत्मिक उन्नति का आभास कर रहे थे। इतना सब होने पर भी गुरुजी को प्रत्यक्ष देखने की लालसा व गुरुजी की याद में आंखें ही नहीं दिल भी इनका रो दिया था। चातक बिन स्वाति बूंद के और मछली जैसे जल के बिन आ जाओ हे गुरुवर प्यारे तड़पे हम भी दिवाली के अगले दिन नूतन वर्ष पर जप तप और भी बढ़ा दिया गया। हर दिन विद्यार्थियों से भ्रामरी प्राणायाम जरूर करवाया जाता था, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने पर बापूजी ने हमेशा से जोर दिया है। हर संध्या को ठीक समय पर सही ढंग से करवाया जाता था। स्तोत्र पाठ भी इस शिविर का हिस्सा थे। हजारों विद्यार्थियों व साधकों से खचाखच भरा हॉल हर भजन पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। अगले दिन जादूगर आंचल को भी इस शिविर में निमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपने जादुई करतबों से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इतना ही नहीं, जोधपुर से जब बापूजी का संदेश आया तो सभी के चेहरे देखने लायक थे। नूतन वर्ष रहे मंगलमय, उत्साह उमंग बरसा दिया, दिल का दीप मन की बाती, प्यास का तेल मिला दिया, लागी विवेक वैराग्य की आत्मभाव जगा दिया, निश्चल अखंड निजानंद रस जीवन में छलका दिया, इसलिए तुम्हारे को संदेश दे रहा हूँ। जीवन में छलका दिया लीलाशाह बापू ने, वही प्रसाद में तुम्हारे जीवन में छलकता देखना चाहता। वक्ताओं द्वारा किया गया सत्संग साधकों को एक नई ऊंचाई देता दिखाई दिया। सदगुरु के श्री मुख से मिला हुआ मंत्र हो और एकाग्र होकर जपे, अनुष्ठान करे, उसके जीवन में सिद्धियां सहज में आने लगती है। भ्रष्ट विचार न हो, दुष्ट आचरण न हो और इष्ट के प्रति हमारी सद्भावना
भगवत प्रार्थना करे, गुरु गोविंद को पुकारे कि प्रभु आप सदैव हमारे हृदय मंदिर में विराजमान रहिए। बापूजी जिस प्रकार आपने छोटी सी उम्र में ईश्वर प्राप्ति कर ली, हम आपके ही द्वार पे, और हमें यकीन जो कुछ मिलेगा आपके वहाँ से मिलेगा। और जगह केवल रहमत की बातें होती है, बापू के द्वार पर रहमत की बरसातें होती। तीन पढ़ने के बाद जो मैंने पढ़ा, गुरुदेव के ये शब्द थे कि वो साईं लीला शाह का ज्ञान था, वो गुरु कृपा थी, वो गुरु वचनों में निष्ठा थी। तो बापू ने कहा मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ वो असली पढ़ाई लेकर जाते हैं, वो गुरुदेव का खजाना बापू जी के पास है। जन्म दिवस की बधाई दीप जलाकर की गई तो पंडाल का रोमांच कुछ अलग था। जिन जिन बच्चों का इस हफ्ते जन्म दिवस था, उन सब का जन्म दिवस यहाँ एक साथ धूमधाम से हजारों लोगों के बीच में मनाया गया। इतना खूबसूरत जन्म दिवस शायद ही बच्चों का कभी मना होगा, इसलिए इनके चेहरों की खुशी कुछ अलग ही दिख रही थी। आखिरकार ये बच्चे इस हरिओम परिवार का हिस्सा हैं, तो जाहिर है इनका जन्म दिवस भी धूमधाम से ही मनेगा। वापी गुरुकुल के बच्चों ने अपनी शारीरिक कर्तबबाजी से अच्छे अच्छों को चौंका दिया। सूरत गुरुकुल के बच्चों ने भी गुरुकुल गीत पर शारीरिक कर्तबबाजी से सभी का मन मोह लिया था। दिल्ली से आए बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने एक अलग तरह की नाटिका पेश की जिसने सभी को चकित कर दिया। हे प्रभु, आज से किसी में दोष नहीं देखेंगे, सभी से प्रेम युक्त व्यवहार करेंगे, क्या पता कौन बुद्ध हूँ। दिनों दिन आश्रम का माहौल बदलने लगा, हर कोई एक दूसरे को महात्मा बुद्ध समझने लगा था। सभी ने अपने हृदय को राग द्वेष मुक्त बना लिया। धीरे धीरे सभी के हृदय में एक दूसरे के लिए सम्मान ने जन्म ले लिया। बारडोली के विद्यार्थियों ने एक नाटिका पेश की कि सच्चा सुख क्या होता है। सचमुच यह नाटिका एक बड़ी ही प्रेरणादायी नाटिका दिखाई दी। तुम केवल शारीरिक सुख भोग विलास को ही सच्चा सुख मानते हो क्या? ऐसी बात नहीं है, सच्चा सुख तो आत्मा में विश्रांति पाने से आता है, और वो विश्रांति राजा विक्रमादित्य ने अपने मनुष्य जन्म में प्राप्त की है। लुधियाना गुरुकुल के बच्चों ने भी अपने कर्तबबाजी की दस्तक दी। इसके अलावा यहाँ कुछ शिक्षाप्रद नाटिकाएं ऐसी भी थीं जो अच्छे जीवन की कला सरल तरीके से समझाने में कामयाब रही। इस शिविर में 700 से अधिक विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए गए। हर दिन यहाँ पर सुबह शाम दोनों समय बापूजी के लिए सभी शिविरार्थी संकल्प किया करते थे। छोड़ के हमको याद न आई हमारी, याद न आई हमारी, आओ ना बापू। संकल्प पूरे वातावरण को हिला कर रख देता था। हर दिन शाम की आरती के बाद जो धूम मचाते थे, उससे पूरा अहमदाबाद चहक उठता था।
फिर एक दिन इस शिविर में भजन कंपटीशन भी आयोजित किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने गुरुजी पर नए नए भजन गाकर सुनाए और सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। बाल वक्ता भी इस शिविर में भाग लेने आए थे और वो भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में पीछे नहीं रहे। इन नन्हे नन्हे बच्चों के मुख से श्लोक सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं श्लोक बोलूंगा। नानं कीर्तन्ति सत्तानि नानं दाति पादकः मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषयः ॐ भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ममेवांशो जीवलोके। बाल वक्ताओं का वक्तव्य तो काबिले तारीफ था ही, पर इनके ज्ञान का तो कहना ही क्या। जिनके जीवन में समर्थ सद्गुरु होते हैं उनका जीवन मंगलमय और उज्जवल होता है। गुरु सेवा की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान को गुरु भक्तों के पास आना पड़ता है। पूज्य बापू जी बोलते हैं, एक से सवा लाख जगाओ तब व्यासाराम जी नाम कहाओ। माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीने की कला सिखाई है। ज्ञान चरित्र और संस्कार की हमने शिक्षा पाई है। ये वही भारतीय संस्कृति है जिसमें 5 साल के ध्रुव ने भगवान नारायण को प्रकट करके ईश्वर प्राप्ति की है। पारस के स्पर्श से तलवार भी सोने की हो जाती है, लेकिन उसके धार मार और आकार वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अगर ज्ञान का हथौड़ा रूपी सतगुरु मिल जाए तो तीनों में परिवर्तन आ ही जाता है। शिविर के अंतिम दिन यहाँ श्री ज्योत का आगमन हुआ तो पूरा माहौल खिल उठा। सभी ने पंक्तियाँ बनाकर ठीक वैसे ही श्री ज्योत का स्वागत किया जैसे कि साक्षात बापूजी पधार चुके हों। और फिर गुरु जी से आरती स्वीकार करने के लिए प्रार्थना एक ऐसी ऐतिहासिक आरती थी जो देखते ही बनती थी। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए, गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए, चरण में पड़े हैं उद्धार कीजिए, चरण में पड़े हैं उद्धार कीजिए।
आए इन विद्यार्थियों को इस अनुष्ठान में क्या खजाना मिला इसकी गिनती करना उनके भी बस से बाहर की बात लग रही थी। यहाँ पर मैं संत श्री आश्रम जी बापू के यहाँ शिविर में आई हूँ 7 दिनों के लिए। हम आश्रम में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सात्विक दिवाली मनाई जाती है, बहुत ज़्यादा नियम और जप के साथ। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, जैसे कि रोज़ सुबह 4 बजे उठते, स्नान आदि करके आश्रम आते हैं, जब ध्यान, योगा, प्राणायाम, संध्या और बापू जी के सत्संग सुनते हैं और कर दर्शन करना आदि आध्यात्मिक बातें सिखाई गई, जिससे मुझे पता चला कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति कैसे जागृत हो। यहाँ बहुत से खेल और बहुत सारी प्रतियोगिता भी होती हैं। हर एक जगह मतलब रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन सब कुछ है यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जो मज़ा आश्रम में आता है वो मज़ा घर पे नहीं आता। आप भी कभी आकर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। देश के 22 राज्यों से आए विद्यार्थियों ने इस शिविर को सफल तो बनाया ही, अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी खूब की। 7 दिन इनके उल्लास और उमंग में कोई कमी नहीं दिखी, पर इनकी आंखों का एक सवाल जो इनके चेहरे की मुस्कान पर हर बार भारी पड़ा, और वो था, हमारे बापूजी के दर्शन हमें कब नसीब होंगे।